ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा कुशवाहा आयुर्वेद चैनल के अंतर्गत आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी जानकारी, और जिसका मैंने प्रयोग किया है और मेरा स्वानुभूत प्रयोग है। ये आप एक पेड़ का तना देख रहे होंगे, इसकी जड़ें खूब निकलती हैं। पत्ते देखेंगे तो आपको ये दिख जाएंगे, इसको हम लोग सोना पाठा बोलते हैं। सोना पाठा और सायनाग और सावर्ड फ्रूट ट्री अंग्रेजी में, बंगाली में बोलेंगे इसको सोनालू या सोड़ा। ये इसका एक छोटा पेड़ भी है मेरे पास, ये इसका यहाँ से एक पत्ता माना जाएगा। ये एक पत्ता है तो आप देख सकते हैं कि इसके कितने भारी भारी पत्ते होते हैं, और ये इसका तना जा रहा है। और इसकी ख़ास बात है कि ये बीज से नहीं उगा बल्कि इसकी जड़ आई है, तो ये जड़ जाके लग जाती है। ये देखिए, इसकी जड़ कहीं भी जाएगी, जड़ काट दो तो नया पेड़ बन जाता आगे का जो, तो ये जड़ बन गया है, नया पौधा तैयार हो गया है। तो इसको मैं बता रहा था, बंगाली में हम इसको सोड़ा सोनालू बोलते हैं, मराठी में टेंटू, पहाड़ पे तरुलू का पेड़ बोला जाता है, और पंजाबी में मुलिन। तो इसका मैं दो प्रयोग बताऊँगा। यहाँ पीलिया में तो ये करता ही है, उसके लिए मैंने इस पर पहले ही 2-3 वीडियो डाल रखी हैं। तो इसको हमें क्या करना, मंद अग्नि, जैसे कि आप देखेंगे कि आप बरसात का सीज़न चल रहा है तो लोगों को फीवर वगैरह हो जाता है, जिससे हेल्थ दवा खाते हैं तो उसके बाद में उनकी मंद अग्नि हो जाती है, खाना पछता नहीं है, बहुत टाइम तक परेशान रहते हैं। तो उसमें क्या करना है, तो ये पेड़ देखेंगे इसमें फूल आ रहे हैं, तो इसमें मंद अग्नि में इसका पेड़ की छाल लेनी है, तने की 20-30 ग्राम छाल को रोज़ रात को भिगो दें गिलास में या कटोरे में कांच के, और सुबह उसे मसल कर पी लें। तो 7-8 दिन पीने से ही, 7 से 11 दिन पीने पे उसको भूख लगना चालू हो जाता है, लीवर की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो ये मंदाग्नि का इलाज था। साथ में अगर किसी भाई को लीवर की गर्मी हो जाती है, या बोलते हैं शरीर में गर्मी बढ़ गई, लीवर में गर्मी बढ़ गई, ये बोला जाता है, डॉक्टर बोलते हैं, और उसमें व्यक्ति का चिड़चिड़ापन हो जाता है, बात बात में गाली देना, माँ बाप से भिड़ जाना, भाई से लड़ना, हर किसी से लड़ने के लिए उतावला हो जाना, तो वो जो शरीर की गर्मी बढ़ती है वो शरीर गर्मी होती है, और लीवर की गर्मी बढ़ जाना, तो दोनों में इसकी छाल को 50 से 100 ग्राम छाल को रात को भिगो देंगे, और सुबह कूट पीस करके भिगोना है, और सुबह उसे मसल करके पी लेंगे। तो हम ये भी 7 दिन तक करते हैं तो हमारे शरीर की सारी गर्मी शांत हो जाती है, मतलब गर्मी नहीं, ब्लड की गर्मी नहीं, मतलब जो एक्स्ट्रा गर्मी होती है या जो लीवर में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होती है, जो लीवर गर्म हो जाता है, जिसको बोला जाता है कि लीवर में गर्मी आ गई है, तो वो चीज़ें सही होती हैं। यानी कुल मिला के ये हमारी मंदाग्नि को सही करती है, हमारे लीवर को सही करती है, हमारे पाचन शक्ति को दुरुस्त करती है, और जिसको पी लिया हुआ उसके लिए तो रामबाण है। तो इसमें देख लीजिएगा कि इसमें ये फूल आ रहे हैं, तो डंडी निकलती है, ऐसे आते हैं। साथ में इसे सावर्ड ट्री बोला जाता है कि तलवार की तरह इसके फल होते हैं, और इसके बीज झड़ चुके हैं इस समय, ये देखें। तो मेरा अपना लगाया हुआ पौधा है, अपने घर के पीछे लगाया है अभी मैंने, ये मात्र 3 साल का ही होगा, बस काफ़ी बड़ा हो गया, 2 साल में ही फल देने लग गया था, और ये काफ़ी बड़ा हो गया। तो आप लोग इसको लगा भी सकते हैं अपने घर के आसपास, इसकी छाल हमेशा काम आती है, पत्ते भी काम आते हैं, तो बहुत ही अच्छा पौधा है ये। और दशमूला रिष्ट का एक घटक है, जो दशमूला रिष्ट में डाला जाता है, तो ये हमारे जो औरतें हैं, जो प्रसूति महिलाएं जो होती हैं, उनके लिए भी ये काम करता है। तो इसका छाल को हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनको देते हैं, पेट की सफाई करता है और लीवर को साफ करता है। तो इससे आप लोगों को मैंने बताया कि किसी को मंदाग्नि हो गई है, खाना पचता नहीं है, भूख लगता नहीं है, खाने के बाद लैट्रिन जाना होता है तो इसका सेवन करें, या फिर किसी को लीवर में गर्मी हो गई है, चिड़चिड़ापन शरीर में, तो तब भी सेवन कर सकते हैं। पीलिया है तो पीलिया में अलग से थोड़ी इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो इसका देखिए छोटा पत्ता है, हमने बीज भी इसका कलेक्ट किया इस बार, ज़्यादा तो नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत तो कर ही लिया है। ये इसका एक पौध है जो कि हमने तैयार करा है, ऐसे 10-12 पौध तैयार कर पाए हम, कि किसी ज़रूरत पड़े तो हम दे सकते हैं। तो इसी के साथ ही आप लोगों ने वीडियो देखा, इसको शेयर करना ना भूलिएगा,
जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।